कृषीमध्ये जर कोणी केलं असेल तर क्रिएटिव डान्स अकॅडमी सफळ यांच्या सौजन्याने आपण पाहू शकाल. अगदीच म्हणजे स्टेट लेवल नॅशनल लेवलचे विनर देखील या रंगमंचावरती आले. केवळ आलेच नाही तर त्यांनी कला देखील सादर केलेली आहे. असे सर्वच कलाकार या मंचावरती उपस्थित झालेले आहेत. तसेच एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे ते म्हणजे या 400 कलाकारांसाठी ज्यांनी इथे या डान्स अकॅडमीच्या माध्यमातून स्वतःच्या अंगातली कला इथे सादर केलेली आहे. खरोखरच एक हक्काचं व्यासपीठ म्हणून नृत्यांगण 2022 या कार्यक्रमाकडे पाहिलं गेलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं कौतुक करायचं झालं तर ते क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीचे करण राबडे आणि अक्षय यांचं भरभरून कौतुक करायला हवं. सर्व सफाळेकरांनी एकदा जोरदार टाळ्या देऊयात आपण. तो भी हम जा रहे गोरेगाव. गोरेगाव इसलिए जा रहे क्योंकि हम आज जा रहे सेलिब्रिटी को लेने के लिए, सोमांश डांस दीवाने सीजन 3. तो चलते हैं. मेरे साथ है विवेक भाई. विवेक ड्राइविंग कर रहा है इसके लिए वो बात नहीं कर सकता. तो गाइस फाइनली हम निकल गए इवेंट के लिए और अभी सब अपने अपने सीट पकड़ रहे हैं. हम नहीं दिख रहे. सो एक्साइटेड. यस पीछे तो हम भी नहीं दिख रहे. फ्लैश. ओह फ्लैश लाइट. यहाँ पे सोमांश दंगवाल का यथोचित स्वागत किया जा रहे हैं. सोमांश आपको विनती है कि आप डांस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे. यस जोरदार टाइम चले पाहिजे. हेलो गाइस वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल. तो आज मैं और मेरे साथ है हमारे भाई विवेक भाई. अभी हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल इवेंट है आज जो कि आपको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है लेकिन अब भी करूंगा. तो आज अपना क्रिएटिव का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो कि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं हुआ है. इवेंट का नाम है नृत्यांगण, जहाँ पे क्रिएटिव डांस एकेडमी के जितने भी बच्चे परफॉर्म करने वाले. और आज हमारे इवेंट पे आ रहे हैं डांस दीवाने डांस प्लस सीजन 5, डांस दीवाने सीजन 3 के जितने भी फाइनलिस्ट सेलिब्रिटी है और हमें आज देखने मिलेंगे. अभी तो हम फिलहाल जा रहे सोमांश को लेने, डांस दीवाने सीजन 3 के जो सबसे चहीते बच्चे उसको लेने के लिए हम जा रहे गोरेगांव. और मेरे साथ विवेक है. विवेक कर रहे ड्राइविंग, वो बात नहीं कर सकते लेकिन बाद में बात करें. और हमारे सामने मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स. तो हमें इधर से उन्हें पिकअप करना है और लेके जाने का है और शाम को वापिस गोरेगांव आके छोड़ने का है क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि सोमांश का भी रियलिटी शो चालू है. तो वो बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम रुकने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे जाना है लेकिन आपके लिए मैं. तो अभी हम जस्ट बोरीवली में आ गए तो 10 मिनट के बाद हम गोरेगांव पहुँचेंगे. उसके बाद बातचीत करते हैं. और अक्षय करण और पूरी टीम सफाले में है जो कि अभी पूरे स्टेज से लेके जितना भी इवेंट का जो भी काम है वो कर रहे हैं. काम भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको जाने के बाद. और तो गाइस सुबह से हमने कुछ नाश्ता नहीं किया तो इसके लिए हमने ब्रेकफास्ट मंगाया KFC चिकन लॉलीपॉप. तो अभी विवेक भी थोड़ा खा रहा है क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया सुबह. तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच गए सोमांश के एड्रेस पे. गोरेगांव में नहीं है सॉरी, अभी हम आए कांदिवली में. देखेंगे अभी किधर मिलता है हमें. और ट्रैफिक में हालत देखो क्लास. और ये है मैप जो कि हमें दिखा रहा है सोमांश का फ्लैट ना फ्लैट किधर है. तो हम उधर ही जा रहे हैं अभी बिल्डिंग के नीचे और उधर से ही उसको पिकअप करेंगे और लेके जाएंगे इवेंट पे. तो बने रहना, मिलते हैं सोमांश को थोड़ी देर में. गाइस गाड़ी अभी हम कार रिवर्स कर रहे हैं और ये वाले बिल्डिंग में है वो. तो अभी थोड़ी देर में नीचे आ रहे हैं. सोमांश और सोमांश के साथ रहेगी सोमांश की मम्मी. एक अभी टर्न ले रहा है और कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है. क्या हाला तो गाइज मिलते हैं सोमांश आने के बाद. तो गाइज फाइनली सोमांश आ गया. हाय, एकदम
मोहित साहब कैसे हो? एकदम बढ़िया। चल एक मिनट बैठो बैठो। गाइस हम फाइनली अभी इधर से निकल रहे हैं और हमारे साथ हेलो हेलो हाय। बहुत देर रुकना पड़ा। नहीं रुकना नहीं, आप लोगों को वो जगह पता नहीं चल रही थी ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत। हम ना उधर अंदर थोड़े गए ना, चलिए इसके लिए हम लोकेशन शायद वही दिखाती है। ओके बराबर। तो गाइस कुछ ही टाइम में अभी हम जाने वाले सफाले में और सोमांच को यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। सोमांच बोल रहा है ये पूरा उत्तराखंड वाला फील आ रहा है। उत्तराखंड वाला फील आ रहा है, मुझे पता नहीं था कि मुंबई में ऐसी भी जगह है। हाँ फिर अभी तो और एक अच्छा सीन आएगा, मैं दिखाता हूँ ना। ठीक है तो आज सोमांच को हम पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। उत्तराखंड वाला एकदम उत्तराखंड वाला ना। सोच में गिर गया सोमांच। तो गाइज हम फाइनली अभी सफाले में आ गए, लेकिन इवेंट पे हमें अभी टाइम है जाने के लिए, कम से कम 7-7:30 बजे जाने वाले हैं। उससे पहले हम जा रहे हैं अभी फार्म हाउस पे, जहाँ पे सोमांश और अनन्य की रहने की पूरी पूजा ने तैयारी की है। हाँ। और विवेक लगा रहा है गाड़ी अभी, चलो जाते पहले देखते वहाँ पे। तो सोमांश भी व्लॉग बना रहा है। सुगम पाटिल सुगम पाटिल व्लॉग्स भैया में। अनन्या हाय। अनन्या क्या खा रहे हो? चलो ले लो अभी नाश्ता करो, आप सबके लिए नाश्ता लेके। अभी ठीक है? क्या हुआ? गाड़ी में घाटा घाटा मध्ये हॅलो बघून कन्फ्यूज झाले एकदम से फ्लॅश। हॅलो हो त्याचं लक्ष गेलं काय नाही हा, मी चालू पण नव्हतं गेला, त्याने फ्लॅश बघितला। सोमा तूने मेरे पास देखा नाही ना? लेकिन उसके वजह से नहीं ना कंफ्यूज हुआ, उसके वजह से कंफ्यूज हो तू मैं ऐसा ऐसा काय नाही ऐसा डांस मध्ये काय नाही होत। लाइट आती नहीं ना? हां लाइट आती नहीं आके पुढे 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 भाग नको करू, जा असं डुएट सारखं कर। 5 6 7 प्ले। आता आता फ्लॅश आली तुझ्या मुळे होतंय ते पूर्ण। सोमांश और अनन्या यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों भी। रील्स रील्स तो जल्दी जाके फॉलो करो। एक स्टेप फटाफट। हाँ ओह ओह या। तो गाइस फाइनली हम निकल गए इवेंट के लिए और अभी सब अपने अपने सीट पकड़ रहे हैं। सो एक्साइटेड। ये पीछे तो हम भी नहीं दिख रहे। फ्लैश ओह फ्लैश लाइट पिसो मी काही कलाकारांना विनंती करते, जे कलाकार लेगे Thank you.
उमाश गंगवाल राहणार नैनिताल उत्तराखंड डान्स दिवाने सीजन 3 चा फायनलिस्ट जोरदार त्यांच्या गजरात आपण सोमांशचं देखील स्वागत करूयात. यानंतर मी विनंती करतोय क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीचे डान्स कोरिओग्राफर करण राबडे यांना. करण राबडे यांना विनंती करतोय की आपण सामाजिक कार्यकर्ते मिथुन पाटील यांचं यथोचित स्वागत करायचं आहे. सोमांश की मम्मी भी यहाँ है, आपसे भी विनती है, आप कृपया मंच पे पधारे. सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ते मिथुनजी पाटील यांचं आपण स्वागत करणार आहोत. मी विनंती करतो करण राबडे यांना आपल्या हस्ते आपण स्नेहाचं पुष्पगुच्छ सामाजिक कार्यकर्ते आदरणीय मिथुनजी पाटील यांना. सर्व कलाकारांना खास शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आदरणीय मिथुनजी पाटील यांना इथे सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. आणि आता स्वागत आणि सन्मान होणार आहे. ते स्वागत केलं जात आहे. कडक काय झाले पाहिजे सोमांसाठी. क्या बात है. Yeah.
प्रत्येक प्रेक्षकांना नम्र विनंती नम्र सूचना आहे की हा संपूर्ण कार्यक्रम स्काय टच केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून क्रमांक 101 आणि क्रमांक 800 या चॅनल वरती आपण लाईव्ह पाहू शकतात. पुन्हा एकदा आपला सूचना आहे स्काय टच केबल नेटवर्क. सुंदर असा परफॉर्मन्स आपण पाहिला. एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला हव्यात या परफॉर्मन्स साठी आणि आदरणीय सूचना मॅडम यांच्या स्वागतासाठी. क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीचे कोरिओग्राफर करण राबडे यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केल्या जात आहेत सूचना चोरगे मॅडम. आपण इथे आलात आपलं पुन्हा सूचना चोरगे आपण देखील मंचावर यायचं आहे. प्रदीप गुप्ता अजय शर्मा यांनी देखील मंचावर यायचं आहे. तसेच क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीचे जे कलाकार आहेत स्वयंसेवक आहेत त्यांनी सुद्धा रंगमंचावरती यायचं आहे. सर्व कलाकारांना विनंती आहे की आपण एकदा रंगमंचावरती यायचं आहे. तसेच क्रिएटिव्ह डान्स फॅमिली जी आहे ज्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले असे क्रिएटिव्ह फॅमिली आपणास देखील विनंती आहे आपण देखील रंगमंचावरती यायचं आहे. कृषीमध्ये जर कोणी केलं असेल तर क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमी सफळ यांच्या सौजन्याने आपण पाहू शकाल. अगदीच म्हणजे स्टेट लेवल नॅशनल लेवलचे विनर देखील या रंगमंचावरती आले. केवळ आलेच नाही तर त्यांनी कला देखील सादर केलेली आहे. असे सर्वच कलाकार या मंचावरती उपस्थित झालेले आहेत. तसेच एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे ते म्हणजे या 400 कलाकारांसाठी ज्यांनी इथे या डान्स अकॅडमीच्या माध्यमातून स्वतःच्या अंगातील कला इथे सादर केलेली आहे. खरोखरच एक हक्काचं व्यासपीठ म्हणून नृत्यांगण 2022 या कार्यक्रमाकडे पाहिलं गेलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं कौतुक करायचं झालं तर ते क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीचे करण राबडे आणि अक्षय यांचं भरभरून कौतुक करायला हवं. सर्व सफाळेकरांनी एकदा जोरदार टाळ्या देऊयात आपण क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमी सफाळे यांच्यासाठी. 2022 क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमी सफाळेतर्फे आयोजित हा सांस्कृतिक कार्यक्रम अगदी अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्यांचे हात लागलेले आहेत ज्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम यशस्वी झालेला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम पहिल्यांदाच या पंचक्रोशीमध्ये जर कोणी प्रयत्न केला असेल तर तो केला आहे क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमी सफाळ्याने. एकदा जोरदार काय झाले पाहिजेत या क्रिएटिव्ह डान्स अकॅडमीसाठी. क्या बात, फायनली हमारा इव्हेंट पूरा हो गया है. कैसा लगा? बहुत सही. तो अपनी न्यू रील बनानी की नहीं? क्या खाया? बर्गर. ओके, मुझे लगा वो पानी पूरी के बनने का था. तो गाइस इवेंट आपने देखा रहेगा, बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ है. अभी हम जा रहे गोरेगांव जो कि सोमांश और अनन्या को छोड़ने के लिए जाने का है. तो अभी कुछ उसके पहले खाना है हमें. इसके लिए हम आए गार्डन रेस्टोरेंट. तो अभी हो रहा है इधर पार्क और हम जा रहे अभी अंदर. तो चलो अंदर जाते हैं और बाकी की बातचीत अंदर करते हैं. जो ऑर्डर देता बड़ा बड़ा था. असला बापड़ आ गया. सोमांश पापड़ खाओगे? नहीं खाओगे? अनन्या? अरे यार क्या. और अपने बुक्कड़ दोस्त जिनका अभी ब्लॉग चालू है सुगम पाटिल कभी खाने का मौका छोड़ते नहीं. आज फास्ट था हमारा. हाँ आज सुबह से लेके फास्ट है. चिकन बर्गर नहीं क्या? चिकन वो नहीं खाया बर्गर? नहीं. तो आपका कौन सा फास्ट था? मैंने सिर्फ सुबह ना दो रोटी और उसके साथ सब्जी खाया बस. उसके सिवा कुछ नहीं. 9 बजे निकले थे ना तब से शाम को वो बर्गर कितने बजे खाया रहेगा? मैंने 6:30 तब तक कुछ नहीं खाया. दो बजे दोनों ने. 2 बजे से सुबह 9 बजे से. 9 बजे से गैस. अरे आपले नूडल्स आले. हे सगळे नूडल्स खाणार अनन्या. इतना सारा नूडल्स खाएगी अकेली लड़की, छोटी लड़की.
सब लोग छोड़ के क्या नहीं मैं छोड़ के सब लोग खाने वाले ना मैं नूडल्स खा देता हूँ गाइस पहले हम अनन्या को घर पे छोड़ रहे हैं अनन्या बाय 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 समझ बोल रहे नींद ही नहीं आ रही डेढ़ बज गए तो भी कितने बजे सोता है रोज तू रोज मैक्स टू मैक्स 3-4 बजे रोज तो सोता नींद पूरी होती है तुझे हाँ सुबह कितने बजे उठता है सुबह सुबह मैं उठता हूँ मैक्स टू मैक्स 9 बजे अरे 11 बजे कभी 12 बजे कभी 2 बजे बट मोस्टली 9 बजे मोस्टली 9 बजे तो 6 बजे उठ जाता है नहीं मिला अभी भी निकाला वो निकाला नहीं बाय 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 सलाम बाय बेटू यार चलो अभी हम भी इधर से निकले गोरेगांव जाने के लिए अभी हम जा रहे हैं सोमांश को घर पे छोड़ने के लिए ये अरे अंधेरा हो गया यार अंधेरा हो गया हाँ उजाला हो गया तो चलो अभी मिलते गोरेगांव तो गाइस हमारा लास्ट डेस्टिनेशन आ गया और सुबह के बजे 3:30 अभी हम सोमांश को छोड़ने आए लास्ट और अभी हम इधर से जा सफाला पहुंच गए और वहां पे रहता है सोमांश वहां पे 15th फ्लोर पे चलो बाय बाय अब लोग सल्यूट आप लोग सल्यूट है अभी आपको वापस जाना है हां सुमन तो घंटा लग गया बाय 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 सुमन लव यू बाय बाय लिखो बाय बाय चलो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एंड मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करो चलो बाय सोमांश बाय बाय चलो बाय 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 गुड नाइट अपने अभी नाइट हो गई तो चलो गाइस बाय बाय अभी हम सोने वाले हैं कार में हाँ मैं